हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्रूड ऑयल का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्रूड ऑयल बंद हुआ है 7378 पे लगभग 100 रुपीज गेन के साथ, लगभग 1.37% ऊपर हमने क्लोजिंग देखी है ऑन बाइंग। तो यहाँ देखते हैं चार्ट पे कैसा दिखता है अभी क्रूड। तो शुरू करते हैं मंथली चार्ट से। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि क्रूड इस महीने के लिए डाउन ट्रेड कर रहा है लगभग 5% लॉस के साथ। हमने जो है तो चार महीने अच्छी खासी रैली देखी, लगभग हमने 100% प्लस के रिटर्न देखे चार महीने में। क्रूड ऑयल जो है तो लगभग 4700 से लेकर 10,000 के लेवल पे हमने हाई बनाया हुआ से एक अच्छी खासी करेक्शन के बाद। अभी ये यहाँ जो है तो क्रूड ऑयल करेक्शन और कंसोलिडेशन जोन में जा चुका है। तो मंथली चार्ट पे यहाँ नीचे जो सपोर्ट दिख रहा है वो है लगभग 7020 का। तो इसके ऊपर जब तक है तब तक क्रूड ऑयल बुलिश रह सकता है, मगर जिस तरह से यहाँ टॉप बन रहा है तो हो सकता है कि हम 7020 का भी लेवल जो है तो शायद आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल तोड़ देगा। उसके नीचे हम जो है तो लगभग 6300 के लेवल भी क्रूड ऑयल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ क्लियरली करेक्टिव पैटर्न है और यहाँ लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल पे सेल ऑन राइज भी रखना चाहिए। सिर्फ यहाँ दिक्कत एक है कि यहाँ वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहेगी। यहाँ हमें ऊपर के लेवल फिर से क्रूड ऑयल लगभग 8500 से लेकर 8600 के लेवल टेस्ट करते हुए भी देख सकता है इस महीने में। मगर उस लेवल पे अगर क्रूड आता है तो वो लेवल शॉर्ट करने के लिए यूज़ करनी चाहिए विद अ स्ट्रिक स्टॉप लॉस। नीचे जो है तो मुझे लगता है कि हम जो है तो 7000 और 6300 के लेवल जो है तो एक मीडियम टू लॉन्गर टर्म में क्रूड ऑयल में देख सकते हैं। तो यहाँ मेरा सेल ऑन राइज भी हो रहेगा, मगर हमें सेल करना है रेजिस्टेंस के अराउंड। तो जो रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है वो 8500 से लेकर 8700 के बीच में है क्रूड के लिए। तो उस लेवल पे मिलता है तो हम शॉर्ट जाना चाहेंगे विद अ स्ट्रिक स्टॉप लॉस। दिक्कत यह एक ही रहेगी कि यह वोलेटिलिटी आपको न्यूज़ फ्लो पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो यह ट्रेडिंग करना या फिर शॉर्ट साइड या लॉन्ग साइड इन्वेस्टमेंट करना इतना ईजी नहीं रहेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्क पोटेंशियल रखना पड़ेगा, रिस्क ज़्यादा लेनी पड़ेगी। और यहाँ जो है तो पेन भी आपको सहन करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ जो है तो वोलेटिलिटी की वजह से कभी कभी लेवल जो है तो अनऑफिशियल लेवल्स आ जाते हैं कभी कभी, तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो इतना इजी नहीं रहेगा ट्रेडिंग करना क्रूड में। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो यह वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने जो है तो एक अच्छी खासी रैली यहाँ जो है तो सपोर्ट लिया 50 वीक के एवरेज करो, वहाँ से जो रैली शुरू की एक फ्रेश हाई लगाया 10,000 के अराउंड, वहाँ से एक अच्छा खासा करेक्शन देखा। करेक्शन में अभी जो है तो वीकली चार्ट पे सेल सिग्नल आ चुका है, मगर यहाँ जो है तो एक स्टॉप लॉस हंटिंग मूव आ सकती है क्रूड में, जो क्रूड को लेकर जा सकती है 8500-8600 के लेवल की तरफ। उसके ऊपर जो है तो 9200 का लेवल भी एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो सुपर ट्रेंड का लेवल है। तो यहाँ जो है तो 8500, 8600 और 9200 ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और ये लेवल आपको सेलिंग के लिए यूज़ करनी चाहिए। यहाँ एक स्टॉप लॉस हंटिंग का मूव बिल्कुल आ सकता है क्रूड में। नीचे जो है तो 7000 और उसके बाद में 6000 के लेवल जो है तो क्रूड ऑयल एक मीडियम टर्म में दिखा सकता है। तो मीडियम टर्म वीकली चार्ट पे भी यहाँ सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा। सिर्फ यहाँ दिक्कत ये की है कि लेवल्स बहुत ही ब्रॉड रहेंगे, तो आपको स्टॉप लॉस बहुत ही डीप और बड़े रखने पड़ेंगे, तो उसके वजह से रिस्क सब्सटेंशियली बढ़ जाता है। अगर आपका उतना रिस्क प्रोफाइल है तो ही ट्रेड लीजिए, वरना जो है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। तो हम 8600 के लेवल पे देखेंगे, अगर उस लेवल पे एक सेल सिग्नल मिलता है हमें तो वहाँ शॉर्ट करना चाहेंगे क्रूड को। स्टॉप लॉस उस ट्रेड के लिए रहेगा लगभग 9200 के ऊपर, तो 600 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो एक लॉट पे लगभग 60,000 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो इसलिए मैंने कहा कि स्टॉप लॉस बहुत ही डीप रखने पड़ेंगे आपको, अगर आपका उतना रिस्क पोटेंशियल है तो ही वो ट्रेड लीजिए। तो या हम 8600 के अराउंड मुझे लगता है कि शॉर्ट जाना चाहिए। नीचे जो है तो 7000 और 6000 के लेवल जो है तो मीडियम टर्म में क्रूड ऑयल दिखा सकता है। तो वीकली चार्ट भी मेरा बेरिश भी हुए और यह हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा सेल ऑन राइज। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि क्रूड जो है तो S1 को टच करने के बाद थोड़ा सा यह संभल रहा है और हम ट्रेड कर रहे हैं 50 डेज के एवरेज कर रहा हूँ।
तो यहाँ अभी यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, ये जो 50 डेज का एवरेज है अगर ये क्रॉस होता है तो हम एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखेंगे क्रूड में, जो लेकर जा सकती है उसको 8600 से लेकर 9200 के लेवल की तरफ। तो यहाँ आपको जो है अगर क्रूड 7550 के ऊपर आता है या क्लोजिंग देता है डेली क्लोजिंग, तो आपको लॉन्ग बनाना चाहिए क्रूड में। आपका टारगेट रहेगा 8600 और उसके बाद में 9200 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट 9200 का रहेगा और मिनिमम टारगेट हमारा 8600 का रहेगा अगर क्रूड 7550 के ऊपर क्लोज देता है। अगर उसके नीचे ही ट्रेड करता है तो ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी और उस सिनेरियो में हमारा जो टारगेट रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा, 6550 और 6270 के टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में दिखाई दे सकते हैं। यहाँ जो है तो डेली चार्ट पे थोड़ा सा क्रूड ओवरसोल्ड लग रहा है और यहाँ आपको डबल बॉटम भी बनते हुए दिख रहा है, तो यहाँ मुझे लगता है कि नीचे के लेवल आने की संभावना बहुत कम है और ऊपर के ही लेवल जो है तो क्रूड दिखा सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू ले सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, या फिर आप वेट कर सकते हो कि 7550 के ऊपर क्लोजिंग आने की। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो आप लॉन्ग जा सकते हो, उस सिनेरियो में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 7200 के नीचे, 7200 के नीचे स्टॉप लॉस, टारगेट 8600 का आपको देखने को मिल सकता है। मगर उसके लिए आपको कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, क्रूड को बंद होना पड़ेगा 7550 के ऊपर ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस। अगर उसके नीचे ही रहते तो हमें एक फिर से सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, उस सिचुएशन में 6550 और 6270 के लेवल क्रूड ऑयल दिखा सकता है। उसकी मुझे पॉसिबिलिटी कम लगती है, मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस हंटिंग मूव आ सकती है, एक शार्प मूव अप साइड पर आ सकती है। तो मोस्टली हम लॉन्ग साइड के ट्रेड खोजने की कोशिश करेंगे क्रूड में, वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और यहाँ ट्रेडिंग करना इतना ईजी नहीं रहेगा, हाई वोलेटिलिटी रहेगी, न्यूज फ्लो पे आपको गैप अप गैप डाउन ओपनिंग या फिर क्रूड के तरफ से रिएक्शन आते हुए दिखेंगे, उसके वजह से इंट्राडे में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी और हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर होए। तो आपके पास अगर रिस्क पोटेंशियल है तो ही ट्रेड लीजिए, नहीं तो सिर्फ वेट एंड वॉच कर सकते हो। थोड़ा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद में फिर से आप जो है तो क्रूड में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो करंटली मेरा जो शॉर्ट टर्म व्यू रहेगा वो बुलिश साइड है, मीडियम टर्म व्यू बेयरिश साइड, मगर वो हम रेजिस्टेंस पे आने के बाद ही शॉर्ट करेंगे। लॉन्ग टर्म व्यू भी करेक्टिव है, तो इसको भी अगर रेजिस्टेंस के अराउंड मिलता है तो शॉर्टिंग की कोशिश करेंगे। तो वीकली मंथली पे बेयरिश और डेली पे जो है तो एक बाउंस बैक मूव आ सकती है, या फिर उसको स्टॉप लॉस हंटिंग मूव कर लीजिए जो 8600 के तरफ क्रूड को लेकर जा सकती है। तो यह हमारा शॉर्ट टर्म में लॉन्ग व्यू रहेगा। तो आई होप सो ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको शोर शॉर्ट कम्युनिटी कॉल चाहिए इन लाइव मार्केट विद सपोर्ट एंड फॉलो, तो मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स जो है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।